देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी है। गुरुवार को उसने शेयर बाजार में दस्तक दी थी और पहले दिन ही अपने इश्यू प्राइस से 27% गिरावट पर बंद हुआ था। सोमवार को शुरुआती कारोबार में इसने 17% की गिरावट आई। इस तरह दो दिन में कंपनी का शेयर 44% से अधिक गिरावट हो चुकी थी। इस तरह निवेशकों को प्रति शेयर 867 रुपये का नुकसान हुआ था। पेटीएम का शेयर गुरुवार को 9.3% डिस्काउंट के साथ 1950 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इसका इश्यू प्राइस 2150 रुपये था। यह 27% गिरावट के साथ 1564.15 रुपये पर बंद हुआ था। एनालिस्ट का कहना था कि कंपनी का शेयर बहुत महंगा है। कंपनी पब्लिक ऑफर के जरिए $20 अरब से अधिक का वैल्यूएशन चाहती थी। सोमवार को सुबह 11:30 बजे यह 11.98% का गिरावट के साथ 1376.75 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। BSE पर कारोबार के दौरान यह 1350.35 रुपये तक गिर गया था। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आ सकती है। उनका कहना है कि कंपनी कब मुनाफे में आएगी इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। साथ ही कंपनी की सीनियर टीम को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है और फिलहाल घरेलू संस्थान के इसमें बड़ा दाव लगाने की उम्मीद नहीं है।